एक हफ्ते से ये पूरा खेल चल रहा है, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है। आज छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल से शिकायत की। छात्राओं से 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। कई छात्राओं के द्वारा ब्लैकमेलर को पैसे देने की बात भी सामने आई है। कॉलेज और हॉस्टल की छात्राओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। छात्राओं के नंबर लीक होने की बात भी सामने आई है। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस तक इस मामले को पहुंचाया है। 70 छात्राओं को वीडियो भेजे गए हैं। 53 छात्राओं ने ब्लैकमेलर को रुपए दिए हैं। जबलपुर से चौंकाने वाली घटना, 300 छात्राएं शिकार बनाई गई हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं हैं, ब्लैकमेलिंग का मामला। एक हफ्ते पहले आंध्रा में इस तरह का मामला आया था। मानकुंवर बाई कॉलेज का यह पूरा मामला है। संस्कारधानी में अश्लील वीडियो कांड। मोबाइल पर भी अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, बहुत चौंकाने वाला, मतलब सनसनीखेज जिसे कहा जाए, इतना बड़ा कांड हो गया और अब ये मामला पब्लिक डोमेन में या पुलिस तक पहुंचा है। वासु, जबलपुर को और जबलपुर से इस तरीके का मामला सामने आना है, अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला है और संवेदनशील भी ये पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात ये कि 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 70 छात्राओं के साथ इस तरीके का जो कृत्य है वो किया गया। 70 छात्राओं को लगातार एक हफ्ते से ब्लैकमेल किया जा रहा था और आखिरकार छात्राओं ने, कई छात्राएं इस पूरे मामले में ऐसी भी थी जिन्होंने परेशान होकर पैसे भी दे दिए। उनको डर था बदनामी का, उनको डर था कि अगर इस तरीके की बातें घर में पहुंचेंगी, समाज में जाएंगी, शहर में जाएंगी तो फिर बड़ी बदनामी होगी। लेकिन आखिरकार जब ये पूरा मैटर थमा नहीं, जब ब्लैकमेलर्स लगातार दबाव बनाते रहे और वीडियो वायरल करने के लिए या वीडियो वायरल करने से रोकने के एवज में बड़ी मोटी रकम जो है वो हड़पने की कोशिश करते रहे, तो आखिरकार जो छात्राएं हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन करने के साथ साथ पुलिस को शिकायत भी इस पूरे मामले की है। 53 छात्राओं से अब तक 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की जो राशि है वो ऐंठने की बात सामने आई है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की बात कर, पुलिस का यह कहना है कि हम लोग तफ्तीश करेंगे, पड़ताल करेंगे, उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो पूरा यह स्कैंडल चलाने का काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं खड़ा होता है और इसके साथ ही कॉलेज के अंदर अगर ये वीडियोस बने, ये एमएस बने हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या अंदर का ही कोई व्यक्ति था जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा था, या कोई बाहरी व्यक्ति था जिसका कॉलेज के अंदर इंटरफेयर था, या कहीं और भी लड़कियों का पीछा किया जा रहा था और उनके ये वीडियो बनाए जाने का काम कर रहे थे? तमाम सारे जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। और फिर एक बार विमेन सेफ्टी की जो बात होती है, महिला सुरक्षा की जो बात होती है, उसको लेकर कई सारे जो सवाल हैं वो फिलहाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि वीडियोस मोबाइल पर भेजे भी जा रहे थे, अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें इस पूरे मामले में सामने आई हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। और इस पूरे मामले की जांच होना, तफ्तीश होना, और जो भी इस पूरे मामले के आरोपी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो इतना घिनौना कृत्य कर रहे हैं कि किसी को ब्लैकमेल करके आप उनसे पैसे हड़प रहे हैं, अश्लील वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाना चाहिए, सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आने वाले समय में एक नजीर बने। जी वाकई, और ये अपने आप में संस्कारधानी में इतना बड़ा कांड होना, इतनी बड़ी संख्या में टारगेट किया जाना, तकरीबन 300 छात्राओं को टारगेट किया जाना, पैसे मांगना, ये अजमेर कांड की याद दिलाता है जिसमें अभी अभी सजा हुई है, कई सालों बाद, 30 सालों बाद उसकी अचानक से याद दिला देता है। एक बात ये भी है कि अभी भी बेटियां युवतियां इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि वो सीधे इस मामले को थाने पहुंचाएं। वासु बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ी एक आप इसे चाहे विडम्बना कह लीजिए, लेकिन अभी भी हमारे सिस्टम में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी कमी हो, कम्युनिकेशन का गैप हो, या एक जो मित्रवत व्यवहार होना चाहिए चाहे घर में हो। केसरी नंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंस्पेक्टर, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी लगातार लाइन पर बने रहेगा वासु। केसरी नंदन जी, क्या कुछ अब तक इस मामले में हो पाया है? बहुत चौंकाने वाला ये मामला, बड़ा सनसनीखेज ये मामला है जी। और मैं बात करा रहा हूँ हमारे साथ जो जांच अधिकारी हैं इस मामले के, केसरी नंदन राय जी। केसरी नंदन जी, बहुत चौंकाने वाला, परेशान करने वाला मामला, अब तक कहां तक इस मामले में जांच पहुंची है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं राय साहब? हाँ बताएं, सुन रहा हूं। जी, कहां तक ये इस मामले की जांच पहुंची है, क्या क्या अभी तक इसमें अपडेट्स आए हैं? बहुत परेशान करने वाला यह मामला है जी। अपडेट हाँ, अभी तक जानकारी नहीं आया कि जो कुछ नंबर बच्चियों के मोबाइल पर आए हैं वो नंबर हमें प्राप्त हुए हैं, 6-7 नंबर, उन नंबरों की जांच के लिए मैंने साइबर को पत्र लिखा है। अब वो नंबर किसके हैं वो सब मैंने पता चलेगा जी। क्या तो ये? हम आज जी 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 बोलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे जी। तकरीबन कितनी छात्राएं हैं केशरी नंदन जी? अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 छात्राओं के संबंध में पत्र आया है मान गुआर भाई कॉलेज से। ठीक, संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है इंस्पेक्टर साहब। हाँ होगी, अब जो मेरे पास आएंगे वो इनके संबंध में आगे प्रोग्रेस करेंगे जी। क्या आंध्रा में भी इस तरह का एक केस आया था? अजमेर में तो खैर बड़ा कांड हुआ था, कुछ इससे मिलता जुलता ही लगता है? अब जांच के बाद ही कुछ कंफर्म कर पाएंगे किस तरह का है जी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, सिर्फ 2 कंप्लेंट हैं, कंप्लेंट के नाम पर संख्या सिर्फ 2 है, हालांकि जो मामला है ये तकरीबन 300 छात्राएं। वासु, पर अपने आप में ललित जी काफी बड़ा मामला है, और जिसकी जितना इसकी तह तक जाया जाएगा, जितनी जांच होगी, तफ्तीश होगी, छात्राओं से पीड़ितों से बातचीत की जाएगी, कई और तथ्य इसमें निकलकर सामने आएंगे और संख्या भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी ये तय माना जा रहा है, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील मामला है। और उस बात का जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है जो आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या, 7 दिन से लगातार ये ब्लैकमेलिंग का क्रम चल रहा था, लेकिन शिकायत जो है वो आज होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बार फिर जो दोष है वो निकलकर सामने आने लगते हैं कि क्यों इतना फ्रेंडली महसूस नहीं किया जाता कि जब आपके साथ कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वहां पे डर का माहौल रहता है कि चलो ठीक है, हम अपने स्तर पर इसको कैसे भी करके डील कर लें और इससे आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर तभी शिकायत हो जाती, पहली ही छात्रा जिसके साथ ये घटना हुई थी वो कंफर्टेबल होती और वो शिकायत कर देती, तो कहीं ना कहीं ये मामला शायद 70 या 100 छात्राओं तक नहीं पहुंचता, 200-300 तक ये संख्या नहीं जाती और इतना बड़ा ये स्कैंडल जो है वो कामयाब नहीं हो पाता, वहीं ये पूरी चैन रुक जाती। तो इन तमाम सारी चीजों पर फिलहाल काम करने की काफी जरूरत है। और पुलिस वासु बने रहिएगा। प्रवीण धुर्वे साहब, आप थाना इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्या कुछ अब तक की पड़ताल में सामने आया है जी? अभी जो ये है, मैं आवेदन प्राप्त हुए मान कुंवर भाई की कॉलेज की लड़कियां हैं और इनके द्वारा स्कूल जो अपना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उनको आवेदन दिया गया है और वो आवेदन हमारे पास पहुंच रहा है, इसको हम साइबर को भेज रहे हैं और उसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं जी। क्या ये टारगेटेड है कि एक ही कॉलेज में टारगेट किया गया, किस तरह लगता है आपको? नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने ही टारगेटेड है। कुछ बच्चियों के नाम इसमें आए हैं जिनके पास फोन कॉल्स आए हुए हैं, इन सब चीजों की जांच कर रहे हैं हम लोग। चलिए प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद, ये अपडेट आपने हमारे दर्शकों से भी शेयर किए। वासु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने आप में ये